कोई एक काम वो कर रहा दूजा काम तुसी कर लेंदे हो, कई बहुत वधिया हसबेंड हुंदे हो अपना खाना बना लेंदे है तो वह सर्व कर देंगे है, वो वक्री गल है सारे खाना नहीं आता हुंदा, पर हुण जिन्हां नूं खाना नहीं आता कुछ होर भी तो कर सकते, कोई जरूरी नहीं हुंदा। जो तुसी रोज़गार ठीक तरह कमाते हो, तुसी पैसे लियांदे हो, तो तुहाडी वाइफ तुहाडे बच्चे सांभ रही है, घर सांभ रही है, सब कुछ अरेंज कर रही है, तो तुहानूं पता हुंदा है कि आपस दे विच असीं डिवाइड कर लैने हैं कि आह काम तेरे करन वाले है, काम मेरे कर, अन के ही अपने आप ही आ जाता है, मैं सौदा लिया देना तू रोटी बना, चल अज खंड खत्म हुई है चल मैं वह लैके आना तू उन्नी देर चाह रख, लाचियाँ खत्म हुई हैं मैं लाचियाँ लैना तू, मतलब यू सी इट इज़ ऑल म्यूचुअल, इट इज़ कंपेनियनशिप। सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा हसबेंड वाइफ का रिलेशन है ना, वो चाहिए है कंपेनियनशिप, मैंने एक कंपेनियन चाहिए जेडे कंपेनियन दी मैं जड़ा मैनू सिक्योरिटी देवे, जड़ा मैनू प्राइड फील कराए, एंड जड़ा मैनू ये फील कराए कि मैं एक अच्छी वाइफ हाँ, तो हसबेंड कहता है कि मैं एक अच्छा हसबेंड हाँ। जो सी ए फीलिंग्स एक दूसरे को नीड होंगी है, जिते तुसी जाओ तुहानू एक प्राइड फील होए कि तुहाडे नाल तुहाडी वाइफ है जां तुहाडे नाल तुहाडा हसबेंड है, ये जिहड़ियां चीज़ां होंदियां ना ये तुहानू होर किसी रिश्ते च नहीं मिलदियां। एक इहो जिहा रिश्ता है जिहड़ा कि माँ प्यो तो तुसी सिखदे हो, एंड अज एक मतलब हसबेंड वाइफ सीगे तो उन्हां दोनों का इस वेले चल रहा डिवोर्स जां छड्डन छडाण की गल चल रही है, तो मेरे कोल बैठे सीगे तो मैं फिर उन्हां नूं देख रहा सीगा, ऑब्जर्व कर रहा सीगा। हुण ऑब्सेसिव हसबेंड है तो परफेक्शनिस्ट हसबेंड है, आम तौर पर वैसे ऑपोजिट हुंदा है, वाइफ्स परफेक्शनिस्ट तो ऑब्सेसिव हुंदियां, हसबेंड जिहड़े कैजुअल हुंदे है। इत्थे उल्ट गल सीगी, हसबेंड इज़ टू रिसपोंसीबल एंड टू कॉन्शियस एंड टू परफेक्शनिस्ट, उन्होंने सारे ऑब्सैशन है, आ चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, आ टेबल इतने नहीं होना चाहिए, स्पैक्स इतने क्यों है, बुक इतने क्यों है, उन्नी देर तक अगला काम नहीं कर देना जिन्नी देर तक वो ठीक ना हो जाए, तो जो काम ना ठीक हो तो उन्होंने गुस्सा चढ़ जाना, एंड उन्हें अगलिया पिछलिया सारिया कर देना, तो वाइफ जी कैजुअल है। तो मैं क्या जी मैं थोड़ी सारी गल सुनी है ना, वो हिसाब न मैं लगता कि थोड़ी कंपैटिबिलिटी काफ़ी चंगी हैगी है। कहिंदे बिल्कुल सानू तो कोई चीज़ नहीं आपस इकट्ठी लगती। मैं क्या जी जो सब तो पॉजिटिव पॉइंट मैं थोड़े चे देखा कि जिहड़े काम तुसी कर सकते हो वो नहीं कर सकती, जिहड़ी वो कर सकती हो तुसी नहीं कर सकते, सो कंपैटिबिलिटी तो बहुत वधिया हुई। हसबैंड नूं एक चीज़ आती हो, वाइफ नूं दूजी चीज़ आती है, जो दोवां नूं एक चीज़ आती हो तो फालतू हो गया बंदा, तो फालतू नहीं होना चाहिए, काम की होनी चाहिए, एक दूजे की नीड नूं पूरा करना। सो हसबैंड का कंसर्न सीगा, तो मैं उन्हें एक गल समझाई, मैं क्या इस तरह गल है बई तुहाडी जिन्नी कंपैटिबिलिटी है मैनू लगता है कि छड्डन तो बाद तुहानू इन्नी कंपैटिबिलिटी वाला पार्टनर नहीं मिलने वाला, ये बहुत कंपैटिबल है, उन्होंने ये दिख नहीं रहा, उन्होंने एक दूजे के नुक्स दिख रहे हैं, हुण वो जां नुक्ताचीनी करते हैं जां बेइज्जती प्रोग्राम जां सफाइयां पेश करनियां ते जां फिर डोनबट्टा हो के चुप करके 15-15 दिन बोलना ही नहीं। हुण मैं उन्हें सिर्फ हसबेंड नूं एक कहा, मैं क्या तुसी ये जिहड़ी वाइफ लैके आए हो ना, इहदी 50% नर्चरिंग तो ये पेरेंट्स ने की है, पर रेस्ट 50% नर्चरिंग तुसी करनी है। जे तुसी ये सोचोगे ना कि जिहड़ी वाइफ नूं तुसी लैके आए हो इहदी एक पार्ट नर्चरिंग पेरेंट्स ने करती है, पर दूसरी नर्चरिंग तां छड्डी हुई है क्योंकि तुहाडे घर दे रिवाज जिहड़े आ डिफरेंट होणगे, तो जे वह कंप्लीट नर्चरिंग करके माँ भेजेगी तो फिर तुसी की अगों करोगे। तो नाले हसबेंड की रिसपोंसिबिलिटी है कि जिहड़ी लड़की नूं लैके आ रहा है ना अपने घर, उहदी रेस्ट ऑफ द नर्चरिंग उन्हें ही करनी हुंदी है, उन्हों अपने तरीके नाल ढालना हुंदा, पर ढालन का यह मतलब नहीं हुंदा कि जिहड़ी उहदी पुरानी नर्चरिंग हुई है उत्ते कसूर कढ़ने जां उहदी माँ नूं ब्लेम करना जां उहदे घरदिआं नूं ब्लेम करना, तैनूं सिखा के नहीं कुछ भेजिया, भाई सारा कुछ उन्हें नहीं सिखाना हुंदा, जे सारा सिखाता फिर तुहाडे घर आ के की सीखेगी, ये भी तो सीखना कि तुहाडे घर के रीति रिवाजों के विच उन्हें किवें अपने आप नूं एडजस्ट करना। सो मैं उन्हें गल समझाई, मैं क्या साडे ना प्रॉब्लम यह है कि असी अपने बेटे नूं ब्याह दिंदे आ विदाउट ए सिखाया कि तू जिहड़ी बाकी दी नर्चरिंग है वो तैनूं किवें है, जे तैनूं जिम्मेवारी अपनी लैनी आती है उस तो बाद जिम्मेवारी यह सीख के जिहड़ी लड़की नूं तू ब्याह के लियाएगा एडे प्यार नाल उन्हों तू पालना, तो उन्होंने कुछ चीज़ा तू इस तरीके सिखाया कि जी वो तेरे नाल कंपैटिबल हो जाए, कोई चीज़ तुम्हें वक्री नज़र आए तो ही तो अच्छा लगता है, पर जी वक्री चीज़ आई होंगी उ थोड़ी देर चुकी नैगेटिविटी देखने लग पाने,
तो असी कहने तेरी माँ ने सिखा के नहीं भेजा, भाई वह नहीं सिखा के भेजा ता ही तो ज़्यादा तेरे तेरे एडजस्ट कर रही है। सो जदों साडे हसबेंड्स नूं इह गल समझ आ जाएगी ना कि असी उन्हूं इस वास्ते नहीं लियांदा कि उन्हूं सुधारना है जां उन्हूं चेंज करना, सुधरी हो गई बड़ी हुई है, पर यह है कि जदों आपां सुधारन दा ठेका लैंदे आ ना उस तों बाद साडी कंट्रोलिंग आ जाती है। फिर दूजा हसबेंड्स ने यह बड़ा रख्या हुंदा कि उन्हूं आइसोलेट कर देना। आइसोलेट का मतलब हुंदा कहिंदे इह है कि मैं तैनूं इन्ना प्यार करदा कि मैं तैनूं किसी दे नाल वंड नहीं सकदा। पहला तो उहदियां सहेलियां दोस्त छुड़ा देंदे सारे, फिर उहदा शहर बदला देंदे आ, फिर करते हैं कि भी तू अपनी माँ को कितने फोन करती है, फिर मैं देखा कि सारा दिन तू माँ नाल फोन करके हर सलाह करती है, साडे घर की गल दसदी है, फिर आपां इह कहने आ कि तू साडी ते सखी कदी भी नहीं बनी। इहदा मतलब जिहड़ा ना एक पिछे देखण वाला हुंदा है कि जिहड़ा हसबेंड इस तरह की ऑब्सैसिव लव शो कर रहा है ना, यह तुहानूं कमज़ोर कर रहा है, तुहाडी सोशल कैपिटल जीरो कर रहा है, ये फिर कल नूं तुहाडे नाल मिसबिहेव करेगा, तुहाडी मदद वास्ते कोई आ नहीं सकेगा।